रोका। समझेंगे ग्रहों की चाल और क्या है आपकी हर एक समस्या का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत है और इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी। रविशंकर जी, प्राइम टीवी पर पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। यूं तो आप हर दिन का विशेष और हर दिन की राशियां क्या कहती है ये हमारे दर्शकों को बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है आज का पंचांग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि दिन मंगलवार दिनांक 7 नवंबर 2023। आज नक्षत्र मघा नक्षत्र है, साथ ही चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है। सूर्योदय 6:19 सुबह, सूर्यास्त शाम को 5:20। ठीक है पंडित जी, देखिए ये तो रहा आज का पंचांग, लेकिन आज के राशिफल क्या कहते हैं, आज के तारे क्या है सभी राशियों के, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा। देखिए, पहली राशि मेष राशि, खर्च पर नियंत्रण रखें, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, फिजूल खर्ची से बचें, यात्रा से हानि हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ के योग हैं, नए अवसर व्यापार के मिलेंगे, साथ ही आपको मानसिक शांति रहेगी। मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें, व्यापार में हानि हो सकती है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें, संतान पक्ष से लाभ के प्रबल योग। ठीक है पंडित जी, ये तो हमने शुरुआत की तीन राशियों पर बात की और जाना कि आज के उनके तारे क्या कहते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आखिर कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए भाई बहन से लगाव बढ़ेगा, अगर आपका कोई मनमुटाव चल रहा है तो आज के दिन आप अच्छे से बात कर लीजिए, आगे का जो भी समय होगा वो बहुत अच्छा रहेगा भाई बहन के लिए, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही आपको सफेद चीजों का दान करें, धन लाभ के प्रबल योग है, अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप सफेद चीजों का दान करें तो आपके लिए विशेष रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि वालों से के लिए माता पिता से लाभ है, उनका सम्मान करें तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, उच्च अधिकारियों से विशेष लाभ का भी प्रबल योग आज के दिन है। छठी राशि आपकी कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही आपको महिला मित्र से सावधान रहना होगा, अगर आपकी कारोबार में या आपके परिचित में महिला मित्र है जिससे कोई कार्य है तो बहुत सोच समझकर सावधान रहें फिर डिसीजन लें। विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, अगर आपका कोई एग्जाम आज के दिन है तो उसमें सफलता मिल सकती है, साथ ही संतान पक्ष से लाभ होगा। ठीक है पंडित जी, आप जानना चाहेंगे वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा। जी, सातवीं राशि तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शत्रुओं से सावधान रहें, कोर्ट कचहरी में रुका अगर कोई कार्य है तो वो फिर आपके पक्ष में आएगा, साथ ही कार्य पूर्ण होंगे। आपकी आठवीं राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट में अगर आप
उससे जुड़े हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, साथ ही विशेष लाभ होगा। रुका हुआ अगर कोई कार्य है इस क्षेत्र का तो वो भी पुनः शुरुआत होगी। धन मिलेगा, साथ ही मन को थोड़ा शांत रखें, शीतल रखें, लोगों से जल्दी उलझे ना। आपकी जो नवम राशि है, नवमी राशि धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। फालतू यात्रा अगर जरूरी हो तभी करें, फालतू यात्रा ना करें, नहीं तो आपको कुछ कष्ट हो सकता है। साथ ही धन हानि के भी संभव है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है पंडित जी, मकर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आए हैं और अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान क्या होगा? आपकी दशम राशि आपकी मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भाग का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही आपको पिता का सहयोग भी मिलेगा। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, शुरू कर सकते हैं। रुका अगर कोई कार्य है तो पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए पिछला किया हुआ परिश्रम का पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। करियर में विशेष तरक्की के योग बन रहे, कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग भी है, साथ ही आपको धन लाभ भी हो सकता है। आखिरी और अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची पर केवल नियंत्रण रखें, धर्म में आस्था भी बढ़ेगी, साथ ही आप मन को शांत रखें। आपका यात्रा भी आज के दिन जो भी यात्रा आप करेंगे वो सुखमय रहेगा, उससे आपको शांति मिलेगी। ठीक है पंडित जी, ये तो रही राशियों की बात, लेकिन सवाल भी लगातार हमारे पास आते रहते हैं। हर दिन हम सवालों और जवाबों का ये सेशन करते हैं, अब सीधा रुख करते हैं, तमाम सवाल भी मेल के जरिए हमारे पास आए हैं। एक सवाल हमारे दर्शक का ये है कि आज का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है क्योंकि आज का दिन है मंगलवार, इस दिन भगवान हनुमान की किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, मंगलवार मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, साथ ही हनुमान जी का, दोनों जो हनुमान जी भी भगवान हनुमान जी हैं या मंगल ग्रह लाल का प्रतीक होते हैं। आपका अगर कोई भी कार्य में दिक्कत आ रही है या रुक रहा है या आपको चोट चपेट ज्यादा लग रही है तो हनुमान जी को लाल लड्डू चढ़ाएं, बूंदी के लाल लड्डू अर्पित करें आस्था के साथ, आपको उस पे जरूर रुकावट आएगी। अगर आपको चोट चपेट लग रहा है तो नहीं लगेगा, साथ ही आपका मन भी शांत रहेगा। दूसरा, अगर आप के कुंडली में मंगल ग्रह नीच का है या अशुभ स्थान पर बैठा है और आपको पता है तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान जरूर करें, चाहे वो लाल फल हो, चाहे लाल कपड़ा हो, चाहे लाल अनाज हो, जैसे लाल मूंग की दाल भी आप कर सकते हैं, उससे आपको विशेष लाभ के योग है। ठीक है पंडित जी, हमारे पास एक और मेल के जरिए सवाल आया है कि सर्वज्ञ प्रयागराज से इनका सवाल यह है, इनकी राशि है कन्या और आपने कन्या राशि में जिक्र किया है कि आज का दिन महिला मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी काम के सिलसिले में किसी मित्र से मुलाकात करने जा रहा हूँ तो क्या आज मैं मुलाकात करूँ या फिर इस कार्यक्रम को अपने टाल दूँ? नहीं, आप मुलाकात करिए, कार्य को मत रोकिए, आप कार्य करेंगे तभी आपको तरक्की मिलेगा। मैंने क्या बताया आपको, सावधान रहें, उनकी चीजें सुने, डिसीजन एकाएक ना लें, सोचे समझे फिर डिसीजन लें तो आपके लिए लाभ होगा। और अगर आप किसी महिला से फिजूल में मिलना चाहते हैं, कोई कार्य नहीं है तो आप आज ना मिलें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है पंडित जी, देखिए आज मंगलवार है जैसा कि आपने भी जिक्र किया और आज का दिन पूरी तरीके से भगवान हनुमान को समर्पित होता है, ऐसे में कई लोगों की ये भी धारणा है कि महिलाओं को हनुमान जी की ज्यादा पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, उन्होंने वो हमेशा ब्रह्मचर्य, तो बहुत ऐसे लोग हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आस्था अगर भगवान में आपका है तो आप जरूर पूजा कर सकते हैं। हाँ, बस विशेष अपना ध्यान रखें कि आप साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, साफ हूं मन से भी और तन से भी, तो आप विशेष हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए पंडित जी आज मंगलवार है और आज के दिन का विशेष क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपका अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है, कार्य में रुकावट आ रही है, धन हानि हो रहा है, तो आज के दिन आप
हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें, तांबूल उनको मीठा पूरा पान लगाकर और उनको श्रद्धा के अनुसार अर्पित करें। कुछ समय बाद आप उसको अगर खा सकते हैं तो आप प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें, आपका कार्य जरूर बनेगा। साथ ही आप चमेली का तेल और सिंदूर आप हनुमान जी को अर्पित करें, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं उसका, तो आपके जो भी कार्य में बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है वो जरूर प्रारंभ होगा और सारी चीजों से आप छुटकारा पाएंगे। ठीक है, तो हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।